गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी आर डीलिंग विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो फर्स्ट वाज एल्केनी मेटल्स ग्रुप 1 वी आर डीलिंग। टुडे वी विल सी एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। बेटा लिथियम क्या है? फर्स्ट ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है ना। तो इसकी जो एनोमलस बिहेवियर मीन द बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। मेरे पास समझ में एंड इट हैज द डायगोनल रिलेशन विद ग्रुप 2's फर्स्ट एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम। डायगोनल यानी फर्स्ट ग्रुप इफ यू रिमेंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड ऑल, बट हियर इट हैज द डायगोनल रिलेशन विद मैग्नीशियम व्हिच इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप, राइट। सो व्हाट वी सी हियर, व्हाई द एनोमलस बिहेवियर इज देयर, व्हाई द लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। सो इट इज ऑफ एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, बहुत छोटा है साइज इसका। देन इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर। यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू व्हाट इज पोलराइजिंग पावर। सो इट इज दैट इज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो इज वेरी हाई, फाइन। कोवेलेंट कंपाउंड्स, यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू इट फॉर्म्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द एल्केनी ग्रुप दैट इज फर्स्ट ग्रुप फॉर्म आयनिक कंपाउंड। लेकिन लिथियम कैसा बनाता है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम, राइट नाउ आई सेड यू इट मेक्स इट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मैग्नीशियम। टुडे एंडली आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज रिजेंबलिंग मैग्नीशियम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट इज लिथियम इज हार्डर, लिथियम इज कंपैरेटिवली हार्डर। इट हैज high melting and boiling point, its melting point and boiling point is high. It is least reactive, dhyan rakhna beta ye term, this is least reactive, but if you remember it is the strongest reducing agent of all the elements. So it is the strongest reducing agent. Unlike other metals matlab I mean to say in this group only, so unlike other metals of this group it forms lithium oxide Li2O and LiCl, that is lithium nitride. Do you remember children nitride ka formula yaad hai sabko? Nitride NITRIDE, so its valency is 3, lithium is 1, so it is Li3N. It forms lithium oxide and lithium nitride. LiCl it exists as in the form of LiCl2H2O. अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो वहाँ लिखा होगा इट इज डीलिक्विसेंट इन नेचर। डीलिक्विसेंट मीन्स क्या होता है बेटा? इजीली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, है ना। सो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मोस्टली ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। दूसरे एलिमेंट्स ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते इस ग्रुप में, बट इट इज फॉर्म्ड एन LiCl2H2O, वेयर एज अदर्स डू नॉट फॉर्म। अदर्स मीन्स अदर्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डू नॉट फॉर्म। All other alkali metals form solid hydrogen carbonate. अगर तुम्हें ध्यान होगा तो NaHCO3, ठीक है, then KHCO3, ये सारे solid compounds हैं, ठीक है। NaHCO3 यानी sodium hydrogen carbonate, which is also known as sodium bicarbonate. KHCO3 यानी potassium bicarbonate और potassium hydrogen carbonate. But lithium hydrogen carbonate does not exist in solid form. मेरी बात समझ में? सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल्स ऑफ द सेम ग्रुप। सिमिलरली इट डज नॉट फॉर्म इथाइनाइट्स विद इथाइन, करेक्ट, डज नॉट फॉर्म इथाइनाइट्स विद इथाइन। इथाइन फॉर्मूला एनीबडी नोज? इथाइन क्या है? C2H2, इथाइन इज C2H2। व्हेन लिथियम नाइट्रेट इज डीकंपोज्ड it is heated, then it forms lithium oxide and NO2 and O2. Lithium oxide is produced. मेरी बात समझ में? Here 4N is there, so let us balance this. So I think now it is balanced. 4Li, 4Li, 4312 oxygen, 8N 12 oxygen. So it is balanced. So when lithium nitrate is heated, it gives Li2O, NO2 and O2. Main product is this. बट वेन सोडियम नाइट्रेट या कोई और नाइट्रेट इस ग्रुप का अगर हीट करते हैं तो इट इज गिविंग अस सोडियम नाइट्राइट। इट इज द फॉर्मूला बेटा, NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्रेट।
NO3. This is sodium nitrite and NO2 plus O2. Fine? So it is different from other elements. Then lithium fluoride and lithium oxide are less soluble in water, whereas the same, like again, if you talk about sodium fluoride, sodium oxide, so they are more soluble in water. Similarly, other alkali metals, their corresponding compounds are more soluble in water. Understood? So these are the some difference points of lithium and other alkali metals, that is group 1 elements. Now I will tell you about similarities between sodium and lithium and magnesium. Why? Because I have told you there is a diagonal relationship between lithium and magnesium. So now I will explain you these things. You note down these. Now I will tell you what are the similarities between lithium and magnesium. Dhyan dena beta. Jo second group hai hamara, that is alkaline earth metals, that is starting from beryllium. Beryllium ke aur magnesium hai. तो डायगोनल, इफ यू रिमेंबर, डायगोनल रिलेशन है इसका लिथियम का सेकेंड ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ. लिथियम एंड डायगोनल रिलेशन विद सेकेंड ग्रुप का जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम, उसके साथ उसका डायगोनल रिलेशन है. सो व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम विद बेरिलियम? हियर दे दो हैव सिमिलर साइजेस. So you see atomic radii of lithium is 152 picometer and magnesium is 160 picometer. So they both resemble in atomic size. But ionic radii, tumhare dimag mein kya aata hai? When ionic radii is there, to size chota ho jayega. Yes, why? Because number of electron will be less. So more number of proton will attract less number of electron. So size will be smaller. So Li plus, yani lithium ion size is 76 picometer. Similarly, magnesium 2 plus ion is 72 picometer. Or original kya tha? 160 picometer. Do electron nikal gaye, so now the ion size is 72 picometer. So their ionic size also resemble, their atomic radius also resemble. Both are, abhi maine kya bataya tumko, lithium is harder. So both are harder and lighter. Harder and simultaneously they both are lighter also, right? Then they both react slowly with water. Their oxides, देखो बेटा ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम तुम्हें कि सोडियम रिएक्ट्स एब्रप्टली विद वाटर ऑल एल्कली मेटल्स, लेकिन लिथियम डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. सो लिथियम एंड मैग्नीशियम दे रिएक्ट स्लोली विद वाटर, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस सॉल्युबल. Their hydroxides decompose on heating. Lithium का और magnesium का जो hydroxide है वो decompose on heating. Then Li3N and Mg3N2, what are these compounds? They are nitrites. So how? Let me show you how nitrites are formed. Lithium will react with nitrogen and nitrogen and N2 will give us Li. So यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ एंड 2, सो 2 अगर यहाँ कर दें 3 जा 6 लिथियम 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन तो यहाँ 6 हो, तो 6 लिथियम प्लस एन 2 विल गिव अस 3 जा 6 लिथियम नाइट्राइड. सिमिलरली मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड इट विल फॉर्म Mg3N2. लिथियम नाइट्राइड Li3N, magnesium nitride Mg3N2, they form nitrites. Here to you all, how the reaction will be written? Lithium plus N2 will give us Li3N, that is coming up. Their carbonates decompose easily on heating. Whose carbonates? Lithium and magnesium carbonates decompose on heating. Lithium chloride and magnesium chloride, they are soluble in ethanol. What is the formula of ethanol? You can tell me. Ethanol formula is C2H5OH. This is ethanol. So they are soluble in ethanol. NiCl2H2. They are existing in clean equivalent form and they are obtained from their hydrated compounds. They crystallize, they are crystallized from their hydrated forms. So they are in the lithium chloride, I mean, the 13 equivalent.
that in magnesium chloride is MgCl2H8H2 के फॉर्म में ये मिलता है, फिर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं उसके हाइड्रेटेड फॉर्म से, राइट। सो आफ्टर द अदर कंपाउंड्स आर बीइंग कैंसल्ड बाय GSTB, सो वी विल नॉट गो फॉर दैट पोर्शन, राइट। नाउ वी विल कम फॉर द ग्रुप 2. हैव यू ऑल मार्क्ड द पोर्शन व्हिच इज कट बाय GSTB? यस, आई हैव गिवन यू द सिलेबस टू कैंसल दोस। ग्रुप 2 बेरिलियम इज डिफरेंट, ऑल ग्रुप 2 इज नोन एज ग्रुप ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बट बेरिलियम इज डिफरेंट, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम इज शोइंग रिजेंबलेंस विद एल्यूमिनियम। इफ यू रिमेंबर एल्यूमिनियम कहाँ आया बेटा, ग्रुप 13 में, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप से फिर डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। कितनी मजेदार बात है, यू सी, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम विल शो विद सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम, सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज बेरिलियम इज डिफरेंट एंड इट्स शोज रिजेंबलेंस विद एल्यूमिनियम। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स? ग्रुप 2 एलिमेंट्स कॉन्फिगरेशन इज नोबल गैस NS2, लास्ट में तो NS2 ही आना बेटा, कोई भी पीरियड हो, राइट। सो बेरिलियम, लेट मी शो यू हाउ टू राइट द कॉन्फिगरेशन, दो वी नो थर्ड चैप्टर वी हैव रेड दिस। सो इट इज YS2 2S2, मैग्नीशियम इज 1S2 2S2 2P6 3S2, अगेन विच नोबल गैस इज देयर, 4 एंड 6 10 नियॉन, ओके। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट नियॉन 3S2, समझ में आया, नोबल गैस इज S2, देन कैल्शियम, हाउ टू राइट कैल्शियम, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 2 to 4 and 6 10 10 and 8 18 and 2 20 again NS2, then barium, barium ko can I write directly to xenon, noble gas is this question ko, when you will write the configuration it will resemble xenon 6S2 pura likh lena to, you have read how to write the configuration, then radon ke baad can I write here silane रेडियम के बदले क्या है राइट किया, रेनॉन 7S2 करेक्ट। सो इन दिस वे द कॉन्फिगरेशन इज रिटन, ओके। सो नोट डाउन दिस, प्रैक्टिस दिस, नेक्स्ट डे आई विल टीच यू फर्दर।